जब ओला उबर का बिजनेस शुरू हुआ था तो लगता था कि ये तो पूरा टैक्सी का गेम चेंज कर देगा, कितना आसान हो गया टैक्सी बुक करना। लेकिन अभी 65,000 कस्टमरों का सर्वे हुआ, उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं है, ओवरचार्ज कर देते हैं, राइड कैंसिल कर देते हैं, वगैरह वगैरह प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इसी को देखते हुए बहुत सारी लोकल ऐप्स ग्रो करने लग गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं गोवा में रहता हूँ, यहाँ पे एक ऐप चलती है जिसको बोलते हैं गोवा माइल्स। ये काफ़ी अच्छी ऐप है, ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। सिमिलरली बैंगलोर में एक नम्मा यात्री करके ऐप आई है, सिमिलरली दिल्ली में एक ब्लू स्मार्ट टैक्सी करके ऐप आई है। तो ये सारी ऐप्स जो हैं वो एक तरीके से ओला उबर का बिजनेस किल कर रही हैं। अब ऐसा हुआ क्यों? उसका सिंपल सा जवाब ये आता है कि जब ओला उबर शुरू हुई थी तो वो जो टैक्सी ड्राइवर्स थे उनको अच्छे कमीशन ऑफर करते थे, बहुत ज़्यादा कमीशन चार्ज नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ओला उबर का बिजनेस ग्रो करा तो ये बहुत ज़्यादा कमीशन चार्ज करने लगे। तो आप मुझे कॉमेंट में बताइए कि क्या आपको लगता है कि ओला उबर का बिजनेस सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा।